हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का एक और फैंटेसी प्रीव्यू में मुकाबला है यहाँ पे एन वर्सेस वर्सिज एनी डी ड्रीम इलेवन प्रोडिक्शन करेंगे इस मुकाबले का न्यूजीलैंड वर्सेस वर्सिज मुकाबला होगा एट द राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में हमारी विन प्रोडिक्शन मुकाबले के लिए इज न्यूजीलैंड ऑब्वियसली हमने देखा है लास्ट गेम की इज नो वॉक ओवर एंड एक टफ कॉम्पिटिशन देंगे वो एंड कुछ की प्लेयर्स है इस गेम में जो नैदरलैंड के लिए एक बड़ा रोल प्ले करेंगे जिसे हम डिस्कस करेंगे आगे अभी के लिए द फोकस इज

जो भी फाइनल टीम अपडेट सब कुछ हम आपको वही पे दे देंगे तो इंश्योर दैट यू ज्वाइनिंग एंड लाइक लाइक ऑलवेज एंड शेयर ताकि हमारा कॉन्टेंट और आपके दोस्तों फैमिली फ्रेंड सब तक पहुंचे एंड सबकी इससे हेल्प हो जाए तो अब चलते हैं आगे की तरफ एंड ऑब्वियसली अगर आपने ये दोनों ऐप्स अप नहीं किया जैसे मैंने कहा स्टार्ट माई मास्टर इलेवन एक नो जी एस टी एप है बहुत बड़ा लीडर बोर्ड है वहां पे

न्यूजीलैंड को एक और गेम देना चाहे स्पेशली की इनकी लॉकिअप है तो पॉसिबल है की एक और गेम उन्हें रेस्ट दिया जाए लेट्स so, कैसे होता है इनकी लाइनअप वेदर रिपोर्ट की बात करें तो वापस एक क्लियर वेदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड एक पूरा मुकाबला सो दैट शुड नॉट बी एनी डिसमेंट अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट की जो हमने देखा था थ्रू दी आईपीएल काफी फ्लैट ट्रैक्स थे यहाँ पे एक जो इंटरेस्टिंग चीज हमने ऑब्जर्व की थी इन द लास्ट गेम वो ये थी कि थोड़ा सा होल्ड था एट द स्टार्ट ऑफ द गेम जब आप अगर आप जाके हाईलाइट देखें प्रीवियस गेम पर जहां पे पाकिस्तान थर्टी एट फोर थ्री थी वहां पे अलॉन्ग विद की होल्ड था नेदरलैंड ने बहुत अच्छी बॉलिंग की आर्यन दत्त एकदम लाइन एंड लेंथ पे शार्प थे एंड हेंस वो तीन विकेट्स वहां पर जल्दी गिर गए वापस नैदरलैंड यही गेम खेल रही है एंड इस बार सामने एक लेफ्ट हैंडर भी होंगे इन तो आर्यन दत्त का रोल अब और भी भारी हो जाता है एज टॉप थ्री में दो लेफ्ट हैंडर्स हैं प्लस विलियम के सामने भी उनका एक मैचअप है जो हम आगे डिस्कस करेंगे हेंस मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि एक वन साइडेड अफेयर होगा यहाँ पे क्योंकि वाइल्ड आई थिंक डेविन कॉनवे बेटर स्ट्राइक रोटेटर है देन इमाम या फखर फिर भी नेदरलैंड्स ने काफी प्लानिंग एंड डेडिकेशन दिखाया तो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग गेम इन जीएल में आपके लिए एक सिनेरियो बन सकता है जहां पे वापस एनजी के एक या दो टॉप ऑर्डर बैटर्स पे आप रिस्क ले पाओ तो ये हुई पिच रिपोर्ट की बात अब चलते हैं एक्सपेक्टेड प्लेइंग प्लेंग की तरफ तो न्यूजीलैंड में अब तक नो विलियमसन लाइनअप एक्सपेक्ट कर रहा लॉकी फर्गसन का इंक्लूजन एंड टिम साउदी डिपेंडिंग ऑन टीम जैसे कॉल ले अब अगर लेम साउदी खेलते हैं तो मे बी जिमी न्यूशियम यहाँ पे बाहर जाए या तो ये विल यंग को निकाल के क्योंकि इनको अपनी डेप्थ uh, बढ़ानी हो विद जिमी न्यूशियम एज एन एक्स्ट्रा बोलर सो इंटरेस्टिंग रहेगा देखने को कि कैसे वो बैलेंस करें वाइल नेदरलैंड की बात करें तो मैं सेम लाइनअप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो सब ने एक्सपेक्ट किया था उससे काफी बेटर परफॉर्म किया नेदरलैंड चेंज तो ये हुई दोनों टीम्स की एक्सपेक्टेड लाइनअप्स अब चलते हैं आज के प्लेयर कार्ड्स की तरफ एंड उससे पहले एक्सचेंज जैसे मैं कह रहा था माय मास्ट इलेवन पे जो लीडर बोर्ड है करेंटली लाइव है एंड बहुत सारे प्राइजेस हैं आपके लिए अप अपट द थाउजेंड रैंक सो इंश्योर दैट ऑल ऑफ यू पार्टिसिपेट हमारा रेफर कोड है वहां पे एफसी पी तो अब चलते हैं आगे की तरफ पहले बात करेंगे न्यूजीलैंड टीम एंड उनके प्लेयर्स की तो पहले प्लेयर है डेविन कॉनवे पहले गेम में बहुत अच्छी पारी खेल के आ रहे हैं ओडिया ओडिया वर्ल्ड कप डेब्यू पे आप 150 प्लस मारे और क्या ही चाहिए होगा आपको एन एक्सिलेंट इनिंग्स प्लेसर है ऐसी टीम के सामने ना फर्स्ट ना सेकंड इनिंग्स में इन्हें ड्रॉप करूंगा एंड जीएल में भी जैसे मैंने कहा अनलेस आप आर्यन दत्त को ले रहे हो एक दो टीम में तो वहां एक दो टीम में निकाल सकते हो एल्स जैसा इनका अप्रोच है टूवर्ड्स द गेम ज्यादातर आपको फैंटेसी वैल्यू देके जाते हैं विल यंग की बात करें तो रिसेंट फॉर्म इनके लिए कंसर्न है एक इंटरेस्टिंग मैचअप है एक बात याद रखिए कि ये दोनों टीम्स एक दूसरे को इतना नहीं खेली तो मैचअप्स के सैम्पल साइजेस काफी कम है पर जो भी नंबर्स हैं मैं आपके साथ आगे डिस्कस कर लूंगा एक दो ही इवन मैचअप्स हैं यहाँ पे तो विल यंग अभी के लिए मेरे लिए फिर भी एक 50 50 कॉल रहेंगे जैसा नहीं कि नेदरलैंड के पास एक खराब बोलिंग लाइनअप है तो ये गेट अवे कर जाए मे बी वो थोड़ा मुश्किल हो फिर बात करें रचिन रविंद्र की पहले गेम में काफी इंप्रेस किया विद द बैट आई थिंक ये मिलियन डॉलर्स जो पेस थी इंग्लैंड की उसके सामने भी बहुत अच्छा खेल के गए बॉल के साथ मुझे फिर भी एक कंसर्न लगा क्योंकि काफी शॉर्ट पिच कर रहे थे मे बी इट वॉज जस्ट नोव ऑन डेब्यू बट क्या आप इन्हें ड्रॉप करेंगे इस मुकाबले में बिल्कुल भी नहीं वापस बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल प्लेयर है तो चांस लेके बिल्कुल भी पॉइंट नहीं है फिर बात करें डायरिल्चल की एक बहुत ही अच्छे बैटर है जो न्यूजीलैंड के सारे बैटिंग ऑप्शन है उसमें से अगर कोई टॉप फॉर्म में वो है डायरल मिचिल एंड लास्ट गेम में बैटिंग करने का मौका ही नहीं मिला था इन्हें इन्हें सिर्फ आप वही सिनेरियो में ड्रॉप कर सकते हो अगर आपको लगता है कि इन्हें बैटिंग नहीं मिलेगी एल्स आई थिंक बहुत ही ज्यादा डेंजरस बैटर है एंड जैसा फॉर्म है कोई भी इंटरेस्ट लेके मतलब नहीं है फिर चलते हैं टॉम लेथम की तरफ वापस एक काफी अच्छे खिलाड़ी है प्लस इस गेम में विकेट कीपिंग से भी काफी पॉइंट्स आपको दे सकते हैं वापस यही कंसर्न रहेगा कि बैटिंग लो करते हैं तो कितना मौका मिलेगा वही

ज़्यादा लेफ्ट हैंडर्स नहीं उस टीम में तो एक्सेप्ट तो फॉर फिर चले जिमी नीशम की तरफ आई थिंक लास्ट गेम में काफी खराब लगे विद इन फ्रंट ऑफ इंग्लैंड बट इन फ्रंट ऑफ नैदरलैंड अगर ये फिर भी फिफ्थ बोलर रहते हैं तो इन्हें बॉल के साथ वापस इम्पैक्ट बनाने का मौका मिल सकता है तो क्या इन्हें टीम में पिक किया जाए या नहीं ये टोटली डिपेंडेंट रहेगा कि ये कौन से बोलिंग ऑप्शन है अगर ये फिफ्थ या सिक्स ऑप्शन है फिर भी लिया जा सकता है अगर हमें हम श्योर हैं कि चार से पांच ओवर मिलेंगे अगर उससे ज्यादा सेवेंथ ऑप्शन है ऐसे कुछ तो फिर मैं इन्हें नहीं पिक करूंगा फिर चलते हैं मिचिल सैंटना की तरफ आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे इस गेम में एज जितने राइट हैंडर्स है उस मिडिल ऑर्डर में एंड जब ये सेकेंड बोलिंग करते हैं मेरे लिए तो ये जीएल जीएलसीवीसी ऑप्शन भी बन जाते हैं Maybe ये है, उन्हें उतनी सूट ना करे हमने देखा लास्ट गेम में शदाब नवाज इतनी कुछ हेल्प नहीं मिली थी उन्हें बट जैसी है एंड जितने राइट right थिंक इनका काम बिल्कुल बन सकता है तो ये हुई मिचुल सैंटना की बात फिर चलते हैं मैट हेनरी की तरफ लास्ट गेम में अगर कोई पेसर इंप्रेसिव थे न्यूजीलैंड के लिए वो थे मैट हेनरी आई थिंक अच्छी पेस्ट से डाले साथ साथ में इनकी जो लाइन एंड लेंथ थी बिल्कुल कंसिस्टेंट थी एंड वही पे इन्हें जाके विकेट मिली तो वाइल्ड उसके पहले इनका फॉर्म खराब था बट लास्ट गेम में काफी ठीक ठाक काम किया इन्होंने बिल्कुल मेरी टीम में ये रहेंगे फिर चलते हैं आगे टुवर्ड्स ट्रेंड बोल्ट अब ऐसी कंडीशन में क्या इन्हें मूवमेंट मिलेगी एक बहुत बड़ा सवाल है स्पेशली फर्स्ट इनिंग्स में डेल स्टेन ने कहा था कि सेकेंड इनिंग्स में कुछ हेल्प मिल सकती है बट वो भी हमें नहीं देखने को मिली विद शाहीन जो काफी बॉल को मूव करते हैं लेट्स सी अगर ट्रेंड बोल्ट इन कंडीशन को एक्सप्लॉय कर पाते हैं बट इस्पेक्टिव बेस्ड ऑन द बैटिंग क्वालिटी इन फ्रंट

बोलिंग करते हैं बिल्कुल रहेंगे तो ये हुई न्यूजीलैंड टीम की बात अब चलते हैं नैदरलैंड की साइड की तरफ पहले प्लेयर यहाँ पे मैक्सो डाउट बहुत ही स्टेबल खिलाड़ी है लास्ट गेम में कुछ खास कर नहीं पाए थे बट आई थिंक कि इस गेम में वापस अगर पहले बैटिंग आती है तो मे भी पेस को खास कुछ मदद ना हो उस केस में आप इन्हें कुछ टीम्स में ट्राई कर सकते हो विक्रमजीत सिंह काफी इंप्रेसिव लगे थे इनका जो प्रीवियस रिकॉर्ड भी था पाकिस्तान के सामने अच्छा था एंड वही उन्होंने उस गेम में रेप्लीकेट किया आई डोंट नो कि ट्रेंड बोल्ड के सामने इनके कैसे हाल होंगे वो एक इंटरेस्टिंग मैचअप रहेगा बट अगेन बैटिंग फर्स्ट इन द डे आई थिंक इन्हें भी बिल्कुल ट्रे... फिर बात करें बैच दिल्ली की ये पहली बोलिंग में बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं हमने देखा है इनका जो एवरेज है रिकॉर्ड है एंड लास्ट गेम है अगेंस्ट पाकिस्तान ये डेथ में भी आके बोलिंग करते हैं एंड जो इनके चेंजअप है काफी डिसेप्टिव है तो विकेट ये लेके जाते हैं एंड हेंस इनको छोड़ने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है स्पेशली बोलिंग फर्स्ट बैटिंग भी इनकी काफी स्टेबल है टी ट्वेंटी खेल चुके हैं अराउंड द वर्ल्ड सो नॉट टू डिस्कस बिल्कुल मेरी टीम में रहेंगे कॉलिन इन एकमेन वाइल्ड अगर सामने वाली टीम में ज्यादा राइटीज होते हैं एक 50 -50 होते, बट क्योंकि लास्ट गेम में हमने देखा कि काफी यूज किया गया था विद इवन इन द डेथ एंड क्योंकि पिच भी सेम है मुझे लगता है कि वापस उन्हें उन टाइप की अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए स्पेशली एज न्यूजीलैंड में ज्यादा लेफ्ट हैंड है देन तो वो हिसाब से कॉलन एकमेन एक अच्छी पिक बन जाते हैं क्योंकि मे बी आपको यहाँ से पांच से छ ओवर भी मिल जाए साथ, साथ में समिंग वाली ये हुई कॉलन एकमेन की बात एंड फिर तेजा निधम मनूरू आई थिंक क्वालिफायर्स में अगर किसी का बहुत क्रूशल रोल था टू ब्रिंग दम टू द स्टेज ये वो थे यही खिलाड़ी लास्ट गेम भी इन्होंने जो खेला था इन दैट क्वालिफाइंग रोल तब बहुत ही अच्छी प्ले थी इनसे एंड एक ठीक ठाक पिक है जीएल में आप इन्हें ट्राई कर सकते हो फिर आते हैं स्कॉट एडवर्ड्स की तरफ जैसे मैंने कहा था सेकेंड इनिंग्स में बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं क्योंकि अंडर प्रेशर काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं मे बी लास्ट गेम में कुछ खास नहीं कर पाए थे

फिर चलते हैं लोगन एन बीक की तरफ बहुत ही क्रूशल प्लेयर है इनके लिए पहली बॉलिंग करेंगे तो फिर तो बिल्कुल मेरी साइड में रहेंगे क्योंकि लास्ट गेम में इवन कोटा कट हुआ था आई डोंट थिंक हर गेम में ऐसा होगा ये न्यूजीलैंड डोमेस्टिक सर्किट में भी बहुत खेले हैं तो अगर किसी के पास इन हैं ऑन न्यूजीलैंड प्लेयर्स आई थिंक वो ये खिलाड़ी होंगे एंड काफी क्रूशल रोल प्ले कर सकते हैं विद बैट एंड विद बॉल इन दिस गेम रोल ऑफ वैंडम ओवर बोलिंग सेकेंड आप इन्हें ट्राई कर सकते हो इन जीएल उसके अलावा जैसे इनकी बोलिंग लगी इन लास्ट गेम थोड़े ऑफ द मार्क दिखे मुझे प्लस क्योंकि न्यूजीलैंड में बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं इन्हें बेस टीम में स्टैब्लिश करना मेरे हिसाब से अभी के लिए अनलाइकली होगा फाइनली शरीज अहमद आई डोंट थिंक कि ये भी ये गेम भी इनके लिए खेलना लाइकली होगा एज अटैकिंग लेग स्पिनर है बट अगर आएंगे तो रोल ऑफ की जगह ही आएंगे बट आई डोंट थिंक दैट लाइकली टू कम इन फॉर दिस गेम फाइनली आर्यन दत्त आई थिंक जरूर खेलेंगे मुकाबला मैं जीएल में इन्हें बिल्कुल ट्राई करूंगा वापस बेस टीम में ट्राई करना मुश्किल है As काफी ओवर स्टार्ट में डाल देते हैं जब बैटर अटैक करने को नहीं देखता एंड हेंस मे बी इनके विकेट टेकिंग ऑपरचुनिटीज वहां पे थोड़े कम हो जाते हैं एंड नॉट इंटरेस्टिंग विद विद बाबर आजम बट विल यंग जिससे हम डिस्कस करेंगे आगे दैट्स अ टाइपो फ्रॉम द एडिटिंग साइड फिर चलते हैं पॉल वैन मीकर की तरफ बोलिंग इन द फर्स्ट इनिंग्स आई थिंक मे बी इन्हें बेस टीम में भी जगह मिल रहा है अगर हम ढूंढ पाए बट उसके अलावा आई थिंक काफी अच्छी पिके हैं

बट बैच डिलीडी भी सिर्फ अगर सेकेंड बोलिंग करते हैं तो मैं वो चांस लूंगा विल यंग वर्स आर्यन दत्त ओनली ट्वेल्व ऑफ ट्वेल्व वाइल्व ऑफ ट्वेल्व लग रहा है अगर आप जाके वो मैच की हाईलाइट देखो दो एजेस पे वो बाउंड्रीज आई थी एंड एक बार आउट कर चुके हैं तो एक इंटरेस्टिंग मैचअप हो सकता है क्यों क्योंकि आर्यन दत्त भी पावर प्ले में आते हैं एंड विल यंग भी अप फ्रंट आएंगे प्लस उनका फॉर्म कुछ खास नहीं है सो एन इंटरेस्टिंग मैचअप टू वॉच आउट फॉर आप चलते हैं आज की बेस्ट टीम की तरफ

तो अभी अगर आपके ये जो प्लेयर्स हैं एकदम क्रूश है यहाँ से ट्रेंड बोल्ट एंड मैट हेनरी बेस्ड ऑन जो फॉर्म मैट हेनरी ने दिखाया एंड जो ट्रेंड बोल्ट का पास रिकॉर्ड है तो ये जो प्लेयर्स है आपकी जीएल अराउंड इन्हीं प्लेयर्स रोटेट करनी चाहिए एंड उसके अलावा कौन सी पिक्स मैं लूंगा यहाँ से लोगन वेनबीक एक और पिक होंगे एंड मेरे पास बच्चे हैं अब दो स्लॉट्स अब इन दो स्लॉट्स में अगर लॉकी फर्गसन खेलते हैं तो बिल्कुल मेरी टीम में एक जगह मिलेगी एंड बैटिंग सेक्शन से अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा हम शॉर्ट है तो आई थिंक टॉम लेथम फिर भी एक ठीक ठाक पिक है एज डायरिल को हम कवर कर चुके हैं विल यंग इज अ ए पिक आई नो की बहुत लोग लेके आएंगे बेस्ड ऑन द फैक्ट की ओपनिंग कर रहे हैं बट मुझे लग रहा है बेस्ड ऑन क्लास बेस्ड ऑन पास रिकॉर्ड एंड बेस्ड ऑन द फैक्ट की कुछ बोनस पॉइंट आपको कीपिंग से मिल सकते हैं आई फील टॉम लेथम इज ए स्लाइटली सेफर पिक तो अभी के लिए मैं उनके साथ जाऊंगा वेरी इजी फॉर यू टू स्विच हिम आउट एंड टेक विल यंग जो भी एक अच्छे पिक है एंड केस जिमी नीशियम स्टेज है तो ये लग रही मेरी अभी की टीम कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी बात की बात करें उसके पहले इस बात का जरूर रखिएगा so, आप ये जो लीडर बोर्ड है उस पर बिल्कुल पार्टिसिपेट करें मेक थर्टी टीम्स एंड ये जो टॉप प्राइजेस है होपफुल आप सब क्लेम कर पाओ सो रोटेशन करिए एंड रोटेशन से याद आए की अब हम बात करेंगे उस जी सेक्शन की भी आफ्टर बट अगर आपको डिफरेंशियल जाने बैच डिलीडी बोलिंग फर्स्ट मिचुल सैटना वाइल बोलिंग सेकेंड मुझे दोनों काफी अच्छे पिक्स लग रहे हैं मिचुल सैटना के साथ ये प्रॉब्लम बिल्कुल आएगी कि इन्हें बैटिंग नहीं मिलेगी तो जो भी काम होगा इनका बॉल से इनको करके देना होगा हेंस इस बात का ध्यान रखिए थोड़े रिस्की पिक है बट आई थिंक काफी अच्छी पिक वो बन सकते हैं तो ये हुई बेस टीम की बात अब चलते हैं ग्रैंड लीग ऑप्शन की तरफ तो ग्रैंड लीग ऑप्शंस की बात करें जिमी नीशम अगर फिफ्थ बॉलर रहते हैं तो एक बहुत ही वैल्यूबल पिक बन सकते हैं इन द सेंस ऑफ लो सिलेक्ट पिक्स पॉल वैन निक्रेन अगर पहले बॉलिंग करते हैं ऑलरेडी बता चुका हूं क्यों हाई सिलेक्ट ड्रॉपर बॉम्ब अपॉर्चुनिटी बैटिंग लोअर

एंड अपडेट्स जल्दी मिलेंगे एक और के लिए एंड रिमेबर टू लाइक कॉमेंट एंड शेयर